बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। हमारे नबी अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ग़िज़ा के तौर पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जिसे ओट कहते हैं। होम्योपैथी के अंदर इससे मेडिसिन बनाई जाती है जिसे एवेनास्टाइबा कहा जाता है। रिसेंटली एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अहमद गुलजेब, उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा कि ओट यानी प्रोसेस्ड ओट यानी ओट मील जो हैं इनके खाने से आपकी सेहत को नुकसान होता है, इनके खाने से इज्तनाब करना चाहिए। और उनकी बात किसी हद तक ठीक भी है। जो भी प्रोसेस्ड चीज़ें हमारे पास आती हैं उन प्रोसेस्ड चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स शामिल होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड को खाने से इज्तनाब करें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने अगर इस बात को कहा है तो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आप ऐसी प्रोसेस्ड फूड ना इस्तेमाल करें, सीरियल्स वगैरह ना इस्तेमाल करें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हों। हमारे नबी अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बेशक इस ग़िज़ा को पसंद किया है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी बॉडी पर, लेकिन अगर प्रोसेस्ड यूज़ करेंगे, प्रोसेस्ड यूज़ करने से हमारे जिस्म के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। आज आपको ओट के बेनिफिट्स बताए जाएंगे और ये बताया जाएगा कि होम्योपैथिक ओट यानी एवेनास्टाइबा को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी कितनी डोजेज यूज़ की जाएँ, कितने अरसे तक इसे इस्तेमाल किया जाए और ये हमारे जिस्म के लिए किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं, सारी बातों को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, इसके अलावा इसके अंदर बीटा ग्लायोकिन्स मौजूद होती है, इसके अलावा इसके अंदर एविनेंथ्रेमाइड्स होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स जिसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। मिनरल्स की अगर बात करें और विटामिन्स की बात करें, विटामिन ई इन रिच क्वांटिटी में मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर सेलिनियम मौजूद होती है, कॉपर मौजूद होता है, फॉस्फोरस मौजूद होता है, पोटेशियम मौजूद होता है, इसके अलावा इसमें जिंक मौजूद होता है, सेलिनियम मेटल मौजूद होती है, दीगर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद होती हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ओट को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला तरीकाकार तो ये है कि ओट की रोटी पका के खा ली जाए, एवेनास्टाइबा यानी जौ की रोटी पका ली जाए, उस रोटी को इस्तेमाल किया जाए जो कि प्रोसेस नहीं होती, बिल्कुल नेचुरल होती है। नेचुरल खाएंगे तो आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके हमारे जिस्म पर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहला तो ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को नॉर्मलाइज़ करती है। हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व इम्पल्सिस दौड़ती हैं जिसको आप केमिकल नर्व इम्पल्सिस का नाम भी देते हैं, वो ऐसे झटके होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर चलते रहते हैं और उन्होंने हमारे पूरे ब्रेन का फंक्शन नॉर्मलाइज़ करना होता है। ये उनको बेहतर बनाने का काम करती है। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, इसके फंक्शन को नॉर्मलाइज़ करती है। हमारे फोर ब्रेन के जितने भी पेरिटियल लोब है, फ्रंटल लोब है और दीगर ऑक्सीपिटल लोब्स हैं जो हमारी नज़र से रिलेटेड हैं, जो हमारी बसारत से रिलेटेड है, उन सारे फंक्शंस को नॉर्मलाइज़ करती है। जो हमारे जिस्म में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आ जाती हैं उनके लिए भी बेहद शानदार इसके नतायज हमारे जिस्म के ऊपर नुमाया होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ भी है। हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप करना होता है और ब्लड डिफरेंट हिस्सों तक जाता है। हार्ट का और ब्रेन का एक सीरियस कनेक्शन है। ब्रेन तक ब्लड हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है, तो ये हमारे ब्लड के फंक्शन को रेगुलेट भी करती है। ब्रेन के अंदर जाकर इसने हमारे ब्रेन के फंक्शन को नॉर्मलाइज़ करके हमारी नींद को भी बेहतर करना होता है, हमारे मूड को बेहतर करना होता है। हमारे जिस्म के और हिस्सों पर इसके बेशुमार रिजल्ट्स हमें देखने में आए हैं। इंसोमिनिया का मुकम्मल तौर पर इससे खात्मा हो जाता है। सेकेंड नंबर पर अगर हार्ट की हेल्थ की बात की जाए तो इसके अंदर एविनिन थ्रेमाइड एक कंपाउंड पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए बहुत शानदार रिजल्ट्स देता है। अगर आप मतवातर एवेनास्टाइबा का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं होगी, हमारी रगों के अंदर, शरियानों के अंदर खून जो है वो ठीक से सर्कुलेट हो पाएगा। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत आम है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम को ठीक करने के भी शानदार मेडिसन्स हैं। इसके अलावा लो लिबिडो जैसे प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल ड्राइव बहुत कम हो चुकी है, ऐसे केसेस में भी ओट के शानदार रिजल्ट्स देखे गए हैं। एवेनास्टाइबा को सम अदर मेडिसन्स के साथ अगर मिलाकर यूज़ किया जाएगा तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा लो लिबिडो और लो डिज़ायर और सेक्सुअल डिएबिलिटी के प्रॉब्लम्स को ठीक करने की भी शानदार मेडिसिन साबित हुई है। इसके अलावा फीमेल की अगर बात करें तो उनके अंदर 28 डेज़ के बाद रिपीट होने वाले साइकिल के अंदर अगर कहीं कोई गड़बड़ आ गई है,
उस गड़बड़ को ठीक करने की शानदार मेडिसिन है। इसके अलावा किडनीज़ के ऊपर इसके बहुत शानदार नतीजे हमें मिलते हैं। हमारी किडनी के फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो गए हैं, नेफ्राइटिस हो गया है, नेफ्रोन्स के अंदर कहीं पर कोई गड़बड़ आ गई है, नेफ्रोन अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, बोवेन कैप्सूल या ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर कहीं पर कोई ख़राबी आ गई है, या हमारा ओवरऑल किडनी का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है और उसके स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर कोई ख़राबी आ गई है, तो किडनी इसके स्ट्रक्चर को भी नॉर्मलाइज़ करने के लिए, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने की बहुत बढ़िया मेडिसिन है। हमारे जिस्म में ब्लड शुगर जो है उसे रेगुलेट करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। कोलेस्ट्रोल इस मेडिसिन से कम बनता है, हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रोल की काफ़ी मिकदार कम हो जाती है, LDL बहुत कम बनता है, HDL ज़्यादा बनता है। डेफ़िनेटली हमारे जिस्म को HDL की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और LDL की ज़रूरत नहीं होती, बशर्ते कि LDL बहुत कम इस्तेमाल होता है, हमारे टेस्टिस उससे इस्तेमाल करते हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को भी इसने नॉर्मलाइज करना होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी इस मेडिसिन को आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, थकावट से रिलेटेड फिटेक सिंड्रोम आ जाता है जिसे क्रॉनिक फिटेक सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टांगों के अंदर बेचैनी रहती है, जिस्म के अंदर हमें बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, पट्ठों के अंदर खिंचाव रहता है, जो बीटा ग्लूकेन है ये इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, हमारे मसल्स को ठीक करती है, हमारे पट्ठों के प्रोसेस को ठीक करती है, हमारी शरियानों और रगों के प्रोसेस को नॉर्मलाइज़ करती है। इसके अलावा अगर ओट के हमारी हेल्थ पे बेनिफिट्स देखे जाएं तो ओवरऑल आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये आहिस्ता आहिस्ता इसने चेंज करना शुरू कर देना होता है। अगर आप ओट के साथ कलवंजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये शानदार हमारे जिस्म के ऊपर नतीजे देती है, क्योंकि दोनों के बारे में नबी अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कई ज़्यादा ऐसी मालूमात मिलती हैं जिनसे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ओट का और कलवंजी का बकसरत इस्तेमाल करने से हमारा जिस्म पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता है, हमारे जिस्म के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं होम्योपैथी में मौजूद ओट जो है जिसे एवेना स्टाइवा का नाम दिया जाता है कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ को अटेन करने के लिए जो विटामिन ई के अंदर मौजूद होती हैं। विटामिन ई याद रखिए हमारे जिस्म में एंटी एजिंग का काम करता है। अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं या आप उम्र से बड़े नज़र आ रहे हैं तो ऐसे फंक्शंस को ठीक करने के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन डी के भी हमारे जिस्म पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हड्डियों और मसल्स को कनेक्शन को बहाल करने के लिए भी हमारे जिस्म में ओट बहुत अच्छा काम करता है। एवेना स्टाइवा मदर टिंचर को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाल्लाह ताला इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है अगर आपको, अगर आपके जिस्म में ब्लड कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है, अगर ब्लड शुगर का फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, ब्रेन डिसऑर्डर है, मेमरी लॉस हो जाती है, दीगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके स्टोमिक के रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से इस मदर टिंचर के आपके प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप मतवातर इसको 3 से 6 माह तक जब इस्तेमाल करेंगे, ये एज अ सप्लीमेंट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसे मतवातर यूज़ करते रहेंगे तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।